नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डीआईवाई चैनल पे। आज हम प्लेग्राउंड सेशन में देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस को रिएक्टिवली कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इस बार हमने इंटेलीजे के शॉर्टकट्स भी कार्ड में ऐड किए हैं और ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सारे की मोमेंट्स हैं, तो कभी भी आप इन मोमेंट्स पे जाके और वहीं से आगे देखना चालू कर सकते हैं। तो रिएक्टिवली रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो एपीआई है वो है R2DBC API। R2DBC का मतलब होता है रिएक्टिव रिलेशनल डेटाबेस कनेक्टिविटी। और आज के इस सेशन के लिए हमने स्प्रिंग गाइड्स के R2DBC कनेक्टिविटी वाले ट्यूटोरियल का इस्तेमाल किया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो किसी भी समय आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और अगर कोई इशू आप फेस करते हैं तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं और पूरा पढ़ भी सकते हैं। वैसे तो हमने सारा कुछ कवर किया है जो इस गाइड में है, पर फिर भी आप उसे और आगे पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ग्रेडल में कैसे करना है वो भी ये बताता है। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहाँ पे हमारा डेटा को हम स्ट्रक्चर्डली एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्डली बोले तो SQL क्वेरीज के थ्रू, जैसा अगर आपने क्वेरीज लिखी होगी तो हम पूरे डेटा को एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और आज का टॉपिक है रिएक्टिवली उसको एक्सेस करना। JDBC या जो भी कनेक्टिविटी अवेलेबल थी अभी तक रिलेशनल डेटाबेस के लिए, वो सारी सिंक्रोनस होती थी। और आज के प्रोजेक्ट के लिए जो डिपेंडेंसीज हम ऐड करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम ऐड कर रहे हैं R2DBC, इसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं H2 और कोड को सिंपल रखने के लिए और रीडेबिलिटी अच्छी रखने के लिए हम आज लॉम्बॉक प्लगइन भी यूज़ करेंगे। और इसके API एंड पॉइंट्स भी हम आगे दे सकते हैं, तो इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट में इसको वेब फ्लक्स को भी यूज़ करेंगे। बट इसके अलावा हम ऊपर लिंक में आपको हमारा जो पुराना ट्यूटोरियल था जिसमें हमने ये बताया कि हम MongoDB से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रिएक्टिवली ही है, तो वहाँ पे आप जाके उसके एंड पॉइंट्स देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं एंड पॉइंट्स का यूज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको केवल सर्विस लेयर में चेंज करना होगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ट्यूटोरियल है ये जावा 8 में होने वाला है और इसका पैकेजिंग होगी, प्रोजेक्ट की जो पैकेजिंग होगी वो हम मेवन के थ्रू करेंगे, मेवन टूल के थ्रू करेंगे। तो हमने मेवन सेलेक्ट किया है और जावा 8 सेलेक्ट किया है। और प्लगइन्स मतलब डिपेंडेंसी मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी ऐड करनी है, ये सब करके हमको जनरेट पे क्लिक करना होगा। तो जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार कि हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 80s के दशक से, जब हमारे पास सिंगल कोर चिप्स, माइक्रो चिप्स होती थी। तो हमारी सारी लैंग्वेजेस जो थी वो सिंगल सिंक्रोनसली वर्क करती थी। सिंक्रोनसली मतलब हमने चिप को अपना काम दे दिया और जब तक वो काम पूरा करके, हमको प्रोसेस पूरा करके नहीं देगी, हम उसका वेट करते थे। उसके बाद आया मल्टी थ्रेडिंग, जिस केस में क्या होता था कि जो कि जावा है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो क्या करता है जावा अपने कई सारे थ्रेड्स एक साथ चल रहे होते हैं और एक थ्रेड प्रोसेसर फिर भी एक एक को उठा के काम कर रहा होता है, और जब तक प्रोसेसर उस पर काम कर रहा होता है तब तक थ्रेड को वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता था सिंगल कोर चिप में। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इंटेल, AMD और रिसेंटली एप्पल सिलिकन ने भी अपना M1 चिप लॉन्च किया था, और उसके बाद अभी जो रीसेंट एडवेंट्स हुए हैं उस रीसेंट समय में एप्पल का भी मल्टी कोर चिप आ चुका है मार्केट में। तो ये सब क्या करते हैं, मल्टी कोर मतलब 8 कोर। 8 कोर मतलब क्या, अगर आपसे कोई कहे 8 कोर, 8 कोर चिप है तो आप क्या समझेंगे? 8 कोर का मतलब वहाँ पे काम करने के लिए 8 जने लगे हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं। और
आठ जने एक साथ कैसे काम करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में वो चीज़ कैसे हैंडल हो पाएगी। तो इसीलिए अभी आज के दिन में पाइथन हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये प्रॉमिस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है। प्रॉमिस फ्रेमवर्क बोले तो हमने अपना काम दे दिया है, आगे वाला उसको काम को करेगा, और जब तक वो काम करेगा तब तक हम उसके लिए खड़े होके वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रॉमिस फ्रेमवर्क होता है, और जब वो रिज़ल्ट हमको देगा प्रोसेस करके, तो हम उस पॉइंट से हम आगे वापस काम चालू कर लेंगे, और तब तक हम आगे अपना दूसरा काम भी करते रहेंगे। तो ये जो तरीका है काम करने का, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और सिंक्रोनस में हमको वेट करना पड़ता था, हम रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट होते थे, फिर वो वहाँ से पूरा कर्सर अपना फैच करके और हमको रिजल्ट सेट देता था, और फिर उस रिजल्ट सेट पे हम उतनी देर वेट करके फिर रिजल्ट सेट लेके और फिर उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते थे। तो ये सब होता था, और अभी हम प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके हमने क्लास बना रहे हैं उसके लिए मेन क्लास। हाँ, तो मल्टीकोर चिप के आने से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने भी एसिंक्रोनस मोड ऑफ वर्किंग को एक्सेप्ट किया है। और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में अंतर क्या है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो कुछ इस तरह से होगा। एसिंक्रोनस मतलब हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया और शेफ़ ने खाना बनाना चालू किया, तब तक हमको वहाँ टेबल पे बैठ के वेट करना है जब तक कि खाना आ नहीं जाता, हम कुछ और नहीं कर सकते। तब तक के लिए हमारे दिमाग का जो प्रोसेसर है वो खाली वेट कर रहा है खाने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ सिंक्रोनस, तो ये सिंक्रोनस है, सॉरी, ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस वे ऑफ वर्किंग है। एसिंक्रोनस वे ऑफ वर्किंग में ये है कि हमने घर पर अपना फ़ोन उठाया, मेनू सेलेक्ट किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। रेस्टोरेंट वाला उधर अपना खाना बना रहा है, हमारा जो ऑर्डर है उस पर काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसका जो शेड्यूलिंग है या जो उसका क्यू है उस हिसाब से वो खाना बना रहा है, और इधर हम अपना काम कर रहे हैं जब तक कि खाना, और जब खाना आएगा तो हमको जो करना है खाना है, तो वो खाने का जो प्रोसेस है वो हम चालू कर लेंगे। तो ये एसिंक्रोनस वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट फॉर्म में, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, तो जो डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इसको हम स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप आसानी से उसे स्क्रीन पे देख सकें। और तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमने ली है, स्टार्टर लिया है, स्प्रिंग स्टार्टर R2DBC ऐड हुआ है हमारे डिपेंडेंसीज में। कंट्रोल या कमांड प्लस वन या कंट्रोल वन करके हम प्रोजेक्ट व्यू को ओपन कर सकते हैं, वहाँ जाके हम जो भी शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, एप्पल और विंडोज़ दोनों के लिए, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं फिर से जो हमारी रिएक्टिव डिस्कशन हम कर रहे थे उसके ऊपर। तो दोस्तों, रिएक्टिव वर्ड में क्या होता है, रिएक्टिव वर्ड कैसे काम करता है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। पब्लिशर सब्सक्राइबर डिज़ाइन पैटर्न पे ये काम करता है। पब्लिशर सब्सक्राइबर ऐसे काम करता है कि आप हमारे चैनल पे आए, ठीक है, हमारा चैनल जो है वो सर्वर है, आपने हमको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया और बेल आइकन को दबाया और ऑल को सेलेक्ट किया, तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए। अब सब्सक्राइबर बनने के बाद जबी भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिलता है और आप उसको देख के कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हुआ पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। इसी को अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो हमारा जो कोड है वो बेसिकली स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करता है, रिएक्टिव स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करता है। रिएक्टिव स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करना मतलब एक नदी है, रिएक्टिव स्ट्रीम, स्ट्रीम का हिंदी अर्थ नदी ही होता है, शब्दार्थ नदी ही होता है, तो एक नदी है उसको हमने सब्सक्राइब कर लिया।
यानी कि उस नदी के अंदर से जो भी बहाव में पानी वगैरह जो भी कुछ आ रहा है वो हमने एक नल अपने उस नदी से एक नल हम अपने घर में जोड़ लिया। अब दूसरा क्या है, उस नदी से तो जोड़ लिया, अब उसके बाद हमको उसमें से अगर मछली लेनी है तो हम कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्लक्स और दूसरा होता है मोनो। फ्लक्स के केस में क्या होता है कि अगर हमें बहुत सारी मछलियाँ एक साथ निकालनी है तो वो हम फ्लक्स फ्लक्स के थ्रू कर सकते हैं, उसमें फ्लक्स मॉडल हमारा काम करेगा। ठीक है, तो फ्लक्स एक ऐसा काटा है जो जीरो या एन नंबर ऑफ फिशेस हमारे लिए निकाल सकता है। दूसरा जो है वो है मोनो। मोनो के केस में एक ही है हमारे पास कि हम एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मछली निकाल सकते हैं नदी में से। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी है इसको समझने, फ्लक्स और मोनो को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि एक नदी बह रही है, उस नदी में से हमने उस नदी को सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब करने के बाद हम उसके डेटा को कैसे कंज्यूम करेंगे, तो डेटा कंज्यूम करने के लिए हमको फ्लक्स और मोनो मिला। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमने कनेक्शन फैक्ट्री डिफाइन किया है अपने अपने एप्लीकेशन क्लास में, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कनेक्शन फैक्ट्री कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा H2 में इन मेमोरी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड और URL वो सारी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप H2 की जगह MySQL या MSSQL कोई और यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेल्डिंग की जो साइट है उसका भी URL हम आपको देंगे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो आर्टिकल आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे उनने कैसे इसमें ऐड करना है वो पूरा उसमें बताया हुआ है। अभी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एक सिंपल कनेक्शन फैक्ट्री, जिसमें कि हम अपना जो इनिशियलाइज़र है, ये कनेक्शन फैक्ट्री इनिशियलाइज़र, और इसमें हम एक schema.sql लिखेंगे, जो कि जब हमारा सर्वर अप होगा उस टाइम पे वो टेबल्स वगैरह को क्रिएट करने का काम कर लेगा। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करना और टेबल्स को रेडी करना, और इंसर्शन जो है डेटाबेस इंसर्शन वो हम यहाँ पे आपके सामने कमांड लाइन रनर के थ्रू करके देंगे। ठीक है, तो हमने ब्लॉग ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि हर बार की तरह ब्लॉग ऑब्जेक्ट हम इसलिए लेते हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे, हर बार अगर हम यूज़ केस बदलेंगे तो लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमने एक सिंपल ब्लॉग का ही यूज़ केस लिया है, एक वो भी सिंपलेस्ट की, मतलब एक ब्लॉग है उसमें ID होगा, उसमें टाइटल होगा और उसका कंटेंट होगा। तो हम और आप किसी इसीलिए है ऐसा ताकि आप किसी भी ट्यूटोरियल को उठा के और कहीं पे भी मिक्स एंड मैच कर सकें, तो जिस पॉइंट से आप उसे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि मान लो आपने ये देखा और इसके बाद आपको लगा कि यार मेरे को तो मुझे इसको एंड पॉइंट्स बना के करना है, तो आप एंड पॉइंट के लिए हमारा जो MongoDB वाला ट्यूटोरियल है वहाँ पे जाके आप एंड पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्योंकि हमने लॉम्बॉक यूज़ किया है तो यहाँ पे काफ़ी इजीली हमारे पास एड डेटा और एड टू स्ट्रिंग ने हमारा जो गेटर सेटर्स और जो भी एनोटे गेटर सेटर्स और जो भी बॉयलर प्लेट कोड है वो सारा काम यहाँ पे इसने कर दिया है लॉम्बॉक ने। ठीक है, तो यहाँ पे तीन क्लासेस मेनली बनेगी, दो मैं बना चुका हूँ और तीसरा एक इंटरफेस रहेगा, जो कि अगर आपने JPA यूज़ किया है पहले तो आपको पता होगा, ये जो मेरा इंटरफेस है ब्लॉग रिपोजिटरी इंटरफेस, इसमें मेरे को जो मेरा मेन मॉडल है ब्लॉग मॉडल वो, और उसका जो ID है, ID फील्ड है, वो मुझे यहाँ पे टाइप पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, और एक्सटेंड्स में मुझे देना पड़ेगा रिएक्टिव क्रड रिपोजिटरी। अगर ये नॉर्मल JPA रहता तो मुझे यहाँ पे क्रड रिपोजिटरी को हम लोग एक्सटेंड करते, और जैसा कि आपको पता है JPA में अगर हम क्रड रिपोजिटरी को एक्सटेंड करते हैं तो हमको सारे जो ऑपरेशंस हैं जैसे फाइंड बाय ऑल, फाइंड बाय ID, फाइंड ऑल और सेव, और इसी तरह के जितने भी अपने
अपने आईडी नॉर्मल आईडीज के आईडी या नॉर्मल कॉलम्स के ऊपर जितने भी मेथड्स हैं वो हमको ये क्रड रिपोजिटरी एक्सटेंड करने पे मिल जाते हैं, तो हमें वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज़ हमने रिएक्टिव में भी है, सेम वे में रिएक्टिव क्रड रिपोजिटरी हमने ऐड किया तो हमको वो चीज़ यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कस्टम क्वेरी का भी लेंगे। ये काफ़ी सिंपल क्वेरी है जहाँ पे हम टॉपिक के लिए सर्च मारेंगे, तो टॉपिक सर्च यहाँ पे करेंगे। और अभी जैसा आप देख पा रहे हैं हमने नेविगेशन का यूज़ किया है, शॉर्टकट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा नेविगेशन के लिए। वैसे ये कमांड ई होता है, कमांड ई क्लिक करने पे मतलब एप्पल में कमांड ई क्लिक करने पे ये अपने पास पैनल आ जाता है, नेविगेशन पैनल, और हम जो क्लास हम एडिटर में खोलना चाहते हैं वो यहाँ पे शो होने लगती है और जो व्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड में शो होने लगते हैं। ठीक है, तो ये कमांड ई या विंडोज़ में कंट्रोल ई, इससे हम ये काम कर सकते हैं। और एक नया फीचर जो इंटेलिजे ने रिसेंटली ऐड किया था जिसमें कि हम एडिट पॉइंट्स को देख सकते हैं, जिस किसी क्लास में जो कोई एडिट पॉइंट्स हैं, रीसेंट एडिट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड ई एप्पल के लिए और कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल ई विंडोज़ के लिए, तो वो भी आपको शॉर्टकट दिखेगा। मैं इसी की बात कर रहा था, ये बहुत ही अच्छा फीचर रिसेंटली ऐड हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे शॉर्टकट भी आया था, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है। अभी हम अपनी schema.sql लिखने जा रहे हैं। schema.sql ये हमने एक सिंपल क्रिएट टेबल स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, ये हमने स्प्रिंग गाइड से कॉपी किया था और इसको अभी हम अपडेट कर रहे हैं अपने ब्लॉग यूज़ केस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारी क्रिएट टेबल ब्लॉग होगी, नाम में आईडी हम देंगे, आईडी टॉपिक एंड कंटेंट हमने दिया, और ऊपर जो लाइन लिखी है ये एक सरप्राइज़ है, मतलब ये एक इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी के लिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि मैं बता सकूं कि आपको क्या इश्यू या क्या प्रॉब्लम जब हम ये कोड करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम हमें भी आई थी, तो इसीलिए हमने वो रिक्रिएट करने के लिए इसे यहाँ पे हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अभी हमने कनेक्शन फैक्ट्री लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे इस ट्यूटोरियल के लिए, मैं एंड पॉइंट नहीं लिखने जा रहा हूँ फाइनली, तो हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कमांड लाइन रनर से। और कमांड लाइन रनर लिखने का तरीका मतलब उसको हमको एड बीन एनोटेशन के साथ एनोटेट करना पड़ता है, तो हमारा जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है वो उसमें कमांड लाइन रनर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कमांड लाइन रनर क्या करता है, जब अपनी एप्लीकेशन रन करेगी, जब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और रन करेगी उस टाइम पे कमांड लाइन रनर एग्जीक्यूट होगा और जो भी स्टेटमेंट्स हम कमांड लाइन रनर में लिखेंगे वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। अब कमांड लाइन रनर में हम यहाँ पे हम पास करेंगे अपना जो रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो हम यहाँ पे पास करेंगे अभी के लिए। और हाँ क्योंकि ये कमांड लाइन रनर ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करता है एज ए रिटर्न टाइप, तो हम यहाँ पे रिटर्न में एक लैम्डा लिख रहे हैं, लैम्डा फंक्शन लिख रहे हैं, और उस लैम्डा फंक्शन में हमारी क्या क्या होगा वो हम अभी कमेंट देके बता रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या, सेव करना सारे डेटा को डेटाबेस टेबल जो बनेगी उसमें, उसके बाद फाइंड ऑल एग्जीक्यूट करना और फाइंड ऑल से सारी जो है उनको लेना, फाइंड आईडी और फाइंड बाय टॉपिक लिखना। तो ये हम करने वाले हैं वहाँ पे। अभी हम आ गए वापस अपना ब्लॉग रिपोजिटरी इंटरफेस पे। जैसा मैंने पहले बताया था, हम एक कस्टम क्वेरी लिखने वाले हैं, कस्टम क्वेरी टॉपिक के लिए, तो फाइंड बाय टॉपिक हमारा ऑपरेशन है जो हम यहाँ पे अब कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और फाइंड बाय टॉपिक क्योंकि जैसा अगर आपको याद हो तो मैंने जब फ्लक्स बताया था, क्या होता है ब्लॉगर साइट है उसके अंदर एक टॉपिक से कई सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं,
तो सेम यहाँ पे भी हम वही कर, इसीलिए हमने उसे फ्लक्स में लिया, ठीक है, फ्लक्स मॉडल में लिया। जैसा कि जब हम डिस्क्रिप्शन बता रहे थे तो डिस्कशन में मैंने बताया था आपको कि फ्लक्स कब काम आता है। फ्लक्स एक ऐसा कट है जहाँ से कई सारी मछलियाँ एक साथ पकड़ी जा सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक पे कई सारे आर्टिकल आते हैं, तो हम सेम इसीलिए हम फ्लक्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है। अभी हम अपन अपना जो सेव स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद इसका अगर आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पता होगा टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से कि हम इनके साथ हमको इनका प्रॉमिस इवेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग है, और हम इसे ब्लॉकिंग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अपना जो जो भी रिलेशनल डेटाबेस है वो अभी भी हमारा ब्लॉकिंग में ही काम करता है, वो नॉन ब्लॉकिंग नहीं हुआ है, केवल हम उसको रिएक्टिवली एक्सेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो डेटाबेस है उसको हमको बोलना पड़ेगा कि भैया जब ये सेव ऑल करो, और सेव ऑल करने के बाद, हाँ, सेव ऑल में हम कुछ मैसेजेस आपके लिए दे रहे हैं जो काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं। ब्लॉग टाइटल हमने दिया है हैप्पीनेस, और उसका एक अच्छा सुंदर सा मैसेज हमने यहाँ पे दिया है, और उसके अलावा टारगेट 100 के सब्स हमने दिया है। एक और मैसेज हमने ऐड किया है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और लास्ट हमने दिया है कि बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए, बेल टॉपिक रखा है नोटिफिकेशन, और मैसेज दिया है बेल आइकन को प्रेस करें सारे नोटिफिकेशन के लिए, और ऑल सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे हमने लाइन नंबर 42 में आप देख पा रहे हैं डॉट ब्लॉक लास्ट किया, ब्लॉक लास्ट ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास पूरा रिजल्ट सेट आ जाएगा और ब्लॉक लास्ट लास्ट ब्लॉक हमको मिल जाएगा, मतलब लास्ट रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा, सपोज कीजिए 10 रिकॉर्ड्स हमने फैच किए, तो 10th रिकॉर्ड मिलने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई तुम 10 सेकेंड के लिए वेट करो। ये 10 सेकेंड वो टाइम है जो हम मांग रहे हैं स्ट्रीम से कि इस टाइम के अंदर हमको सारा डेटा कंज्यूम करने का है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे, इसलिए हमको ये ब्लॉक लास्ट आप देख पा रहे हैं, ये हमको लिखना पड़ा था, ठीक है, सेव ऑल के केस में, और यही हम बाकी केसेस में भी लिखेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने पहले फॉलो किया होगा रिएक्टिव एंड पॉइंट्स जब हमने लिखे थे, तो सेव के टाइम पे हमको डॉट सब्सक्राइब लिखना पड़ता था, ठीक है, सेव और अपडेट के लिए। सिमिलरली सेव ऑल में भी हमने यहाँ पे ब्लॉक क्लास ली। तो ये जो हैं ये सारे इवेंट हैंडलर्स हैं, और ये इवेंट्स हैं हमारे पास। जब हमारे पास डेटा पूरा आ गया तो हमें क्या करना है, तो वो सब हम इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। अभी हम फाइंड ऑल लिख रहे हैं, फाइंड बाय आईडी लिख रहे हैं, और इसके बाद हमारा जो कस्टम फाइंड बाय टॉपिक था वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम थोड़ा लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं प्रॉपरली, ताकि हमको हम अपने अपना जो डेटा है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें सर्वर कंसोल पे। तो वही हम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने लॉग में ऐड किए हैं। एक एक ब्लॉग ऑब्जेक्ट हमको मिलता जाएगा, इटरेशन होगी, एक एक ब्लॉग मिलेगा, और हर एक ब्लॉग को हम प्रिंट करते जाएंगे। इसके अंदर ये जो हमारा डू ऑन नेक्स्ट है, उस डू ऑन नेक्स्ट के अंदर हम अपना प्रिंट करते जाएंगे। ये हम इस तरह से हम कह रहे हैं कि भाई एसिंक्रोनस इसलिए है कि अगर हमको स्ट्रीम से डेटा मिल गया तो हमको क्या परफॉर्म करना है, वो हम यहाँ पे कोड में पहले ही बता रहे हैं कि डू ऑन नेक्स्ट, और इसके अंदर हम एक लैम्डा पास कर दे रहे हैं कि भैया जब मिल जाए तो ये परफॉर्म कर दो, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो वही हमने तीनों केसेस में लिखा है, फाइंड सेव ऑल में, फाइंड बाय आईडी एंड फाइंड बाय टॉपिक केस में। तो जहाँ पे मल्टीपल है वहाँ पे हमने ब्लॉक लास्ट का यूज़ किया है, और जहाँ पे सिंगल है, फाइंड बाय आईडी के केस में सिर्फ हमारे पास हमेशा, हम एश्योर हैं कि हमारे पास हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, एक ही ब्लॉग आएगा,
तो इसलिए हमने वहाँ पे ब्लॉक लिखा, ठीक है, डॉट ब्लॉक, और उसमें ड्यूरेशन पास किया कि भैया कितने सेकंड के लिए रुकना है, तो वो हमने वहाँ पे इसीलिए डॉट ब्लॉक दे दिया, और बाकी सब केसेस में हमने ब्लॉक लास्ट दे दिया। और इस तरह से ये अगर आपने पहले नोटिस किया हो, नहीं किया हो, तो आप हमारी लॉगिंग पे जो हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये जो लॉग डॉट इन्फो है, ये हमारा ये लॉग ऑब्जेक्ट हमको कैसे मिल रहा है, ये लॉग ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है लॉम्बॉक से। लॉम्बॉक इस क्लास को हमने एनोटेट किया है @SLF4J से। तो लॉम्बॉक हमको लॉग का जो इनिशियलाइजर है वो सब कर पूरा के दे रहा है, ठीक है। तो हम सीधे अब लॉग डॉट इन्फो या लॉग लेवल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीखना है ये कैसे करते हैं, तो आप हमारा जो ट्यूटोरियल है, एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल हमने लिखा था, हमने बनाया वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं। हम उसका डिस उसको हम यहाँ पे ऊपर आई पैनल पे दे देंगे, इन्फॉर्मेशन पैनल पे उसका लिंक हम ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लॉगिंग कर रहे हैं, वैसे तो लॉगिंग मैं बहुत अच्छी नहीं करता, बट हाँ, तो अभी मैं कॉपी पेस्ट करके सब जगह ये दे देता हूँ, और इसको रन करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कि ये प्रॉपरली होता है नहीं होता है, जो भी है देखा जाएगा। तो अभी हमारी लॉगिंग हो गई है, लॉग स्टेटमेंट्स हमने ऐड कर लिया है, कमांड और डी प्रेस करके हमने कोड डुप्लीकेट किया, और इसको मूव करके हम जहाँ हमको चाहिए वहाँ पे हम इसको मूव करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो और उसके अंदर लॉग में जो जो चेंजेस करने हैं वो हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हाँ, ये टारगेट ऑब्जेक्ट हमको मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट करनी है, क्योंकि हाँ अभी ये करेक्ट हो गई है। और चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार। अभी ब्लॉग ये सारा कुछ ठीक लग रहा है। अभी अगर हमको नेविगेट अवे करना है, तो आपको पता है नेविगेट कैसे किया जाता है, तो कमांड ई अपन प्रेस करेंगे। कमांड ई प्रेस करने पे हमारे पास नेविगेशन पैनल आ जाएगा, और वहाँ पे फिर हम माउस की से मतलब कीबोर्ड की राइट लेफ्ट की से उस व्यू में चले जाएँ, मेवन व्यू में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखिएगा कैसे हम करते हैं उसको। ये लाइन इस तरह से दे देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में थोड़ा शायद ठीक लगे। तो आगे करते हैं। अभी सारा कोड ठीक लग रहा है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, तो का समय आ चुका है, और अभी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। हम आए हैं नेविगेशन पैनल में, और यहाँ से हम मेवन पैनल में आए हैं, और मेवन में जाके आप हाँ आप ये लाइफ साइकिल इवेंट्स को एक एक करके भी रन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मेवन गोल्स करके जो विंडो होती है इस पे एम पे क्लिक करेंगे, ये मेवन गोल्स खुला है, यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं कमांड जो भी हमको रन करना है। अभी हमने लिखा है मेवन स्प्रिंग बूट रनर, और अभी हमारे पास एक सरप्राइज हमारा वेट कर रहा है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उसके बाद देखिएगा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सरप्राइज हमेशा एरर की फॉर्म में ही आते हैं। तो देखिए ये सरप्राइज आ गया है, सरप्राइज क्या है और क्यों है ये अब डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि जब हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया, तो जब भी स्प्रिंग्स सर्वर स्टार्ट होता है तो क्या करता है, स्प्रिंग दो तरह मतलब स्प्रिंग की कोई एप्लीकेशन चालू होती है तो सबसे पहले हमारा टेस्ट रन करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग टेस्ट लोडर अलग होता है, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, ठीक है। तो जब हमारी हमने एस्कीमा डॉट एसक्यूएल में जो क्रिएट टेबल कमांड लिखी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी स्प्रिंग टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए, और जब वो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए लोड होगी उस टाइम पे हमको टेबल बन चुकी होगी, और फिर जब हम वापस से
स्कीमा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के टाइम पे, तो ये हमको एरर, ये वाली एरर हमको देगा। और इसको हमने गूगल किया, स्टैक ओवरफ्लो पे हमको ये उसका सॉल्यूशन मिला है। तो बेस्ट स्टेटमेंट ये है कि हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऐड किया हमने, जो कि है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो इसको ड्रॉप कर दो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो वही हमने यहाँ पे किया है। आई थिंक क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक कुछ स्टेटमेंट कुछ कीवर्ड का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसी वजह से ये एरर नहीं गया था। ओके, मैंने एग्जिस्ट वर्ड को टाइपो हो गया यहाँ पे, तो वो मैंने करेक्ट कर लिया। अभी हम रन करके देखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन रन होगा। और हाँ, हमारा जो प्लगइन वाले वीडियो थे जो कि प्रीवियस हमने डाले थे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, आप उन्हें देख सकते हैं। और हम यहाँ पे की प्रॉम्प्टर का यूज़ कर रहे हैं, अभी की प्रॉम्प्टर का यूज़ करके हम की ऐड कर रहे हैं मेवन गोल्स के लिए। तो ये कस्टमाइजेशन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, वो आप कर सकते हैं की मैपर के थ्रू। और हाँ, ये देखिए हमारे लॉग्स इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, और क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो फाइंड ऑल के भी सारे जो आइटम्स हैं एक एक अलग अलग शो हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम करेक्ट करेंगे लॉगिंग को, बट आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारे जो फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय टॉपिक, ये सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही है। ठीक है, अभी आते हैं थोड़ा ब्यूटिफिकेशन की तरफ। तो अभी फाइंड बाय ऑल से हमने इंटरनल जो लॉग्स थे वो हटा दिए हैं, अभी हमको सारे फाइंड बाय सारे डेटाबेस रिकॉर्ड्स एक साथ दिखेंगे। और फाइंड बाय आईडी के अंदर भी हमने थोड़ा लॉग्स वगैरह क्लियर किया है, क्लियर आउट किया है, तो वही अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। टॉपिक के अंदर भी सही से कर लेते हैं इसको। और इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से मेवन स्प्रिंग बूट कोलन रन इसको करेंगे, तो ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं ये कॉन्सोल है हमारा, इस कॉन्सोल पे, अरे अच्छा, मैंने पहले से हम मेरा एक सेशन चल रहा था, एक एप्लीकेशन सेशन चल रहा था, तो इसलिए वो एरर आई थी। अभी उसको क्लोज करके हमने दूसरा चालू किया है। ठीक है, अभी कुछ और नहीं चल रहा है पोर्ट पे, तो ये आ गया हमारे पास 8080 पोर्ट पे। और ये आप देख पा रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स जो हमने डाले थे वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, और ये टारगेट आईडी, फाइंड आईडी भी शो हो रहा है। यस, टारगेट 100 के सब्स। हाँ दोस्तों, आपके प्यार से हम इतना आगे तक तो आ गए हैं, बट डेफिनेटली हम 100 के तक भी पहुंचेंगे अगर आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो। और ये रेफरेंसेस हैं जो इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए हमने यूज़ किया था। आप भी चाहें तो आप बेल्डिंग के इस ट्यूटोरियल का फॉलो कर सकते हैं, इसमें उन्हें सब कुछ कवर किया है, जैसे कि आपने अभी देखा ट्रांजैक्शंस भी कैसे हैंडल होगी वो भी यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है स्टैक ओवरफ्लो का जो एरर हमको आया था जिसमें हमने रिजॉल्व किया था स्टैक ओवरफ्लो से, वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हार्दिक आभार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब आप ये सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हमने चैनल बनाया, तो वहाँ पे अब भी आप जाके अपना कंटेंट देख सकते हैं और उसे भी अपना प्यार दें। सभी सूचनाओं को हिंदी में बोले तो नोटिफिकेशन को पाने के लिए घंटी अवश्य दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, जीवन का भरपूर आनंद लें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।